किसी ने जलती लौ की रोशनी लिख दी, किसी ने जलती लौ की रोशनी लिख दी, तो मैंने उसका अंधकार लिख दिया। और किसी ने लिखा इजारे मोहब्बत, तो मैंने इनकार लिख दिया। किसी ने जलती लौ की रोशनी लिख दी, तो मैंने उसका अंधकार लिख दिया। और किसी ने लिखा इजारे मोहब्बत, तो मैंने इनकार लिख दिया। और किसी ने लिखी प्यारी सी मुस्कान, तो मैंने बेपरवाह प्यार लिख दिया। तो अब मेरे कुछ तीन सवाल हैं। मतलब एक होता है ना कि आप कहते हो किसी से कि ये करके दिखाओ तो मानूंगा, ये करके दिखाओ तो मानूंगा। तो जरा ये सवाल सुनिएगा तीन, कि नदी नहर झरनों का पानी सब ने पिलाया है मुझे, नदी नहर झरनों का पानी सब ने पिलाया है मुझे, कोई खारे समंदर से मेरी प्यास बुझाए तो मानूंगा। बड़े शौक से मांगते हो दुआ टूटते तारे से, बड़े शौक से मांगते हो दुआ टूटते तारे से, एक तारा आसमान में लगा कर दिखाओ तो मानो। और अगला देखिएगा, अगला इस बात से अगर कोई मुकड़ जाए तो बताना, कि कोई रिश्ता भले बचा नहीं नफरत के निशाने से। आपने देखा होगा अगर 10 माले की बिल्डिंग बननी तो 10 माले की नफरत भी वहां पैदा हो रही है। तो देखिएगा कि कोई रिश्ता भले बचा नहीं नफरत के निशाने से, कोई माँ को नफरत करना सिखाए तो मानो। एक देखें कि किसी को शराब ने बचा लिया तो किसी को कलम ने, यही होता है मोहब्बत में, या तो शराब बचाती है कलम बचाती है, हाँ दोनों एग्जांपल हैं आपके सामने। तो कि किसी को शराब ने बचा लिया तो किसी को कलम ने, और किसी को तोड़ा मोहब्बत ने तो किसी को मजहब ने। किसी को शराब ने बचा लिया तो किसी को कलम ने, और किसी को तोड़ा मोहब्बत ने तो किसी को मजहब ने। और जब उठाई कलम शायर ने शायर के टूटने के बाद, और जब उठाई कलम शायर ने शायर के टूटने के बाद, तो मजहब पे लिख डाला इस मोहब्बत के अनुसार। और एक देखिएगा कि ये बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, कि ना समझ को समझाएं कैसे, कि ना समझ को समझाएं कैसे, ना समझ को समझाएं कैसे, और जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे उठाएं कैसे। कि ना समझ को समझाएं कैसे, और जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे उठाएं कैसे। और जिंदगी देती है रोज तमाचे इन गालों पे, जिंदगी देती है तमाचे रोज इन गालों पे, अरे अब तो सुधर चुके उसे समझाएं कैसे। पर एक देखिएगा, एक छोटी सी ऐसी पोएट्री लिखने की कोशिश करी है कि कुछ लोग हैं, कि कुछ लोग हैं जो ख्वाबों से निकलते नहीं, कि कुछ लोग हैं जो ख्वाबों से निकलते नहीं, और मेरे ख्वाब मेरी किताबों से निकलते नहीं। कि कुछ लोग हैं जो ख्वाबों से निकलते नहीं, और मेरे ख्वाब मेरी किताबों से निकलते नहीं। और मैं जानता भी किसी को अच्छे से तो कैसे जानता, मैं जानता किसी को अच्छे से तो कैसे जानता, कि कुछ लोग हैं जो नकाबों से निकलते हैं। कि मैं जानता किसी को भी अच्छे से तो कैसे जानता, कि कुछ लोग हैं जो नकाबों से निकलते नहीं। और बेहिसाब इश्क करता तो कैसे करता, बेहिसाब इश्क करता तो कैसे करता, कि कुछ लोग हैं जो हिसाबों से निकलते हैं। यूं तो लोग पूछते हैं मुझसे कई सवाल, यूं तो लोग पूछते हैं मुझसे कई सवाल, पर मेरे जवाब जवाबों से निकलते ही नहीं। पर एक देखिए, आप थोड़ा मोहब्बत पे सुनाता हूँ, तो मैं वो जॉनर भी टच कर लेता हूँ, कि ऐसा है कि आप देखना कि मैंने मोहब्बत कैसे संभाली है। कि बचा के पिछली होली का कुछ गुलाल रखा है, बचा के पिछली होली का कुछ गुलाल रखा है, कुछ इस तरह मैंने अपनी मोहब्बत को संभाल रखा है। और एक देखिएगा कि वो फूल सी है मगर गुलाब नहीं। सब कहते हैं ना मेरी वाली फूल है फूल है, तो अब देखना मैं बताता हूँ क्या है। कि वो फूल सी है मगर गुलाब नहीं, और वो है रोशन चांद सा फूल मगर उसमें कोई दाग नहीं। और ऐसी एक तीसरा ऐसे देखिएगा कि तुम साजिश बनो मैं शिकार बनता हूँ, तुम साजिश बनो मैं शिकार बनता हूँ, और तुम बनो इस कायनात की खूबसूरती मैं तुम्हारा गुलजार बनता हूँ। कि मेरे चंद सवाल ही काफ़ी हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, मेरे चंद सवाल ही काफ़ी हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, जिनकी बातें आसमान में और औकात ज़मीन पर चलती नज़र आती हैं। और एक है कि
फलक की बातें करने वालों जमीन भूलना मत, फलक की बातें करने वालों जमीन भूलना मत, और बेशक उड़ो कितना भी ऊंचा पर अपनी औकात भूलना मत। मतलब वही है ना यार, कलम जो लिखती है वो सुना देती है, मतलब हम जो लिखते हैं, अब हम कुछ सोच के नहीं लिखते, हम हालात पे लिखते हैं, जो महसूस करा उस पे लिखते हैं। तो वैसे ही आप सुनिएगा इसको कि मेरे लहजे पे सवाल मत उठाना, मेरे लहजे पे सवाल मत उठाना, वरना आपसे तू तक का सफर बहुत भयानक होगा। मेरे लहजे पे सवाल मत उठाना, वरना आपसे तू तक का सफर बहुत भयानक होगा। चाहे तू रावण या राम की बातें करने वाला, उठा ली कलम तो औकात से नीचे नहीं रुकने वाला। पर एक ऐसे लिखा था कि मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं गिर रहा था कुछ ऐसे कि मेरी कलम ने मुझे संभाल लिया, मैं गिर रहा था कुछ ऐसे कि मेरी कलम ने मुझे संभाल लिया। अब हो गई है शादी मेरी कलम से, अब हो गई है शादी मेरी कलम से, मैं मेरी कलम से विवाहित हूँ। ऐसी है, मतलब लिख देते हैं जो मन में आता है। अरे एक एक लास्ट देखिए, फिर अपनी जगह लेता हूँ। इसमें थोड़ा तंज है, सुनिएगा। कि कोई मुझ जैसा प्यार कर सके तुम्हें तो बताना, कोई मुझ जैसा प्यार कर सके तुम्हें तो बताना, और कोई रूह में उतर सके मुझ जैसा तो बताना। कि कोई मुझ जैसा प्यार कर सके तुम्हें तो बताना, और कोई मुझ जैसा रूह में उतर सके तो बताना। और मेरा सीने से लगा कर रखना, तुम्हें पिंजरा लगा है, मेरा सीने से लगा कर रखना, अगर तुम्हें पिंजरा लगा है तो कोई मिले ऐसा पिंजरे वाला तो बताना। जो भी मेरी कलम ने लिखा वो मैंने महफिल में सुना दिया, जो भी मेरी कलम ने लिखा वो मैंने महफिल में सुना दिया, और जो बच गया उसे मिलाया जाम में और गले से नीचे उतार लिया।